और मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग ली थी सिक्योरिटी के हवाले से कि वो गैर मुल्की शहरी जो पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो अपना एक बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त मुल्क चीन की तरफ से बहुत ही अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, जिससे पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं को मौके पे जाके देखा जाए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है वो बैठा जाए और इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि उनकी जो तहफ़ है उसको यकीनी बनाया जा सके और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कामयाबी के साथ चलें भी और उसके बाद जो है वो मुकम्मल हों ताकि पाकिस्तान की जो है वो तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली जो है उसमें ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। तो एक तरफ तो हम इस मामले में जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हों कि आम आदमी जो है उसको जो है वो रिलीफ मिले और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो और दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और वो ऐसे यानी अटैक्स या ऐसे बुज़दिलाना हमले करते हैं जिस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक अलमनाक जो है वो पेशावर की मस्जिद में हुआ, जिसमें 100 के करीब जो है वो पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए। वो अपने तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और अपनी मुल्क दुश्मन जो है वो एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ हमारे जो है वो सियासतदान भी हैं कि जिन्हें हर वक्त जो है वो पाकिस्तान के आगे बढ़ने की, पाकिस्तान के जो है वो मज़बूत होने की जो है वो इतनी जो है वो उनको फ़िक्र लाहक होती है कि हर वक्त वो अपने घटिया एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनको इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ महसूस हो रही है और उनसे जो है वो बन नहीं पड़ रहा कि IMF के साथ जो है वो मुआहदा जो है वो अब उनको नज़र आ रहा है कि IMF के साथ एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है या होने के करीब है, हो चुका है, तो उससे पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो भरपूर कोशिश की 3.5 साल अपने घटिया एजेंडे को और अपनी जो है वो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ को जो है वो चलाते रहे और ये कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान में जो है वो इंतकामी सियासत के अलावा कोई सियासत ना हो, उनके घटिया एजेंडे के अलावा कोई और एजेंडा ना हो और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। और जब सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा तो वो मुआशी इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकेगा। 3.5-4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि उस मुआहदे की शरायत के ऊपर अमल करते करते जो है वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आम आदमी जो है उसका जो है वो गुज़रे औकात जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तर जो है वो हो रहा है। तो अब जब वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने से पहले उनकी जो है वो छुट्टी करवा दी गई और उन्हें हटा दिया गया, तो अब उसके बाद वो पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहे हैं, बाकायदा एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे ताकि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल ना कर सके और खुदा ना खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने तरीन जैसे बंदे को भी जो कि बाज़ाहिर शरीफ आदमी हैं उनको भी जो है उन्होंने बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की
कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है, और उनको जो है वो इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी को भी इस किस्म की हरकत करने का दोबारा जो है वो जुर्रत ना हो। तो अब ये सारा कुछ करने के बाद जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए और IMF का जो है वो मुआहदा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत करने में जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है, तो आज उन्होंने फिर बहुत ही घटिया, बल्कि घटिया से भी नीचे जा के उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे भी मुस्तहकम होगा और मौशी तौर पे भी इस्तेहकाम हासिल करेगा, और तुम्हारा ये घटिया एजेंडा जो तुम इस वक्त लेके फिर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, अब ये किसी सूरत में जो है वो कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो है वो दहशतगर्दों से भी महफूज रहेगा, और इस तरह के जो सियासी दहशतगर्द हैं, क्योंकि इसने अब सियासी दहशतगर्द का जो है वो रूप धार लिया है, ये 25 मई को मुसल्ला जो है वो लोगों के साथ इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए और इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ से ये फिर नाकाम और जलील होकर जो है वो वापस आया, और उसके बाद फिर इसने तैयारी जारी रखी और 26 नवंबर को दोबारा जो है ये अवामी समुंदर लेके वहाँ पे आना चाहता था, जिसमें अवाम ने इसे बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया, और अब ये जो है वो फ्रॉड करके बैठा है वहाँ पे अपनी टांग पे पट्टी जो है वो लगा के। हालांकि इतनी देर में तो फ्रैक्चर हो तो वो ठीक हो जाता है, इसको छरा लगा हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये जो है वो इसकी हालत है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों से भी महफूज रहेगा, और इस किस्म के जो सियासी दहशतगर्द हैं, जो बद ज़ुबान भी हैं और बद किरदार भी हैं और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, इंशाल्लाह ताला इससे भी जो है वो महफूज रखेंगे। राणा साहब, शेख रशीद साहब बार बार आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे राणा सनाउल्ला है, बाकी जो मुल्क के सियासतदान हैं बिलावल भुट्टो पर वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पर यहाँ मुकदमात भी हैं, तो क्या वजह है कि वो यहाँ उनको वफाकी हुकूमत नहीं भिजवा पा रही या कोई अदालती फैसले हायल हो रहे हैं? नहीं, शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है, जो वो जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के पैसे दे के कत्ल करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया, और जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था, तो ये उसकी जो गुफ्तगू है ये काबिले मुआख़ज़ा थी, और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। वो अदालत में गए कि जी ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, मुकदमा बनता नहीं है, अदालत ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की, उन्होंने कहा नहीं मुकदमा बनता है, तो उसमें जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और हमने यानी ये बात वाज़े रहे कि ये कहना कि कोई सियासी इंतकाम ले जा रहा, अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो इनके ऊपर कुछ और कोई और चीज़ डाली जाती, जो कि ये खुद जिस किस्म की हरकतें करते रहे हैं, हमने तो जो इसने बकवास की है उसी का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, और उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश रहने के बाद ठीक है, दो चार दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी। कारगर तंजीमों की तरफ से दफा फिर जो है जोर पकड़ लिया है और दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे हैं, माजी में ये हुआ कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए, तो क्या फिर इस सिलसिले में दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा? माजी में जो मुज़ाकरात किए गए वो तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है, और उसके जो है वो कोई बेहतर नतायज जो है वो सामने नहीं आए, बदकिस्मती से। अच्छा होता अगर उसके बेहतर नतायज जो है वो सामने आते, तो इसलिए आइंदा जो है वो इस किस्म के मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है। पार्टी अपना हुकूमत और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि
दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, तमाम ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं, और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस फिगर पर काबू पाएंगे। आपने जिक्र किया जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है या हो रहा है, तो फिर जमहूरी हुकूमतें और सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्होंने सबने इलेक्शन कमीशन में ही बताया है कि हमारे पास पैसा नहीं है या दहशतगर्दी की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। दूसरा जो आपने जिक्र किया माजी में जो मुज़ाकरात हुए, क्या उसमें रियासत की देखें जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान नियाज़ी साहब कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इनहराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है, और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो और असम्बली पहले डिसॉल्व हो जाए, तो उसका इलेक्शन जो है उसका भी तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखें कि इस आदमी ने अपने घटिया एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला करने का ड्रामा रचाया, उसमें नाकाम हुआ तो फिर उसके बाद पूरी मुहिमजुई करता रहा। 26 नवंबर को फिर इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ लेके इंसानों का समुंदर, और मैं चढ़ाई करूँगा, मैं इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊँगा। जब उसमें आवाम ने इसे रिजेक्ट किया, तो इसने ज़बरदस्ती दाउस के साथ दो सूबों की असम्बलियों को जो है वो इसने तड़वाया। वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हुई नेचुरल वे में, बल्कि उनको डिज़ोल्व किया गया, और इस जो है वो हठधर्मी को, इस ज़िद को, इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है, तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए वो भले अप्रैल में हो या वो हो अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं और दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन जो आइन में दी गई स्कीम के टिकर सेटअप के बग़ैर होंगे, इनके रिजल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन में दी गई स्कीम के केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, अगर उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए, और असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और अगर कोई बदबख्त जो है टोला अगर अपनी जो है वो ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर आइन के इस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करे या करे, तो उसको जो है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे उसका भी कोई ना कोई हल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढना चाहिए। सारा मलबा 3 साल में आप इमरान खान पे डाल रहे हैं, इन 75 सालों में
ना लोगों को साफ पानी मिल सका है, ना तालीम मिल सकती है, ना कोई सेहत की कोई सहूलत, ना रोड, ना सड़कें। आवाम भूख में मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? पहली बात तो ये है कि हम दोनों को जो है वो पहले गलती लग रही थी और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, अब जो सही बात है वो समझ आ गई और हम दोनों अब जिसको चोर कह रहे हैं असल चोर वही है और वो इमरान खान नियाज़ी है। बाकी जहां तक आपने बात की है कि मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है, तो इसमें मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अब ज़्यादा तफसील में यहाँ पे तो टाइम नहीं है कि जब तक मुल्क सियासी इस्तेहकाम का जो है वो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा या सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता और बदकिस्मती से मुल्क जो है वो पिछले 70-74 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और हर मौके पे अदम इस्तेहकाम की मुख्तलिफ वजूहात रही हैं, इसमें सभी कसूरवार हैं। मैं किसी एक का हवाला देके जो है वो बाकियों को शक का फ़ायदा नहीं देना चाहता, लेकिन असल वजह हमारे मसाइल की यही है। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि आप मुसलसल इमरान खान से तनकीद कर रहे हैं कि फसाद की जड़ वो है, उसको बर्बाद करने में इमरान खान का हाथ है, तो इसमें कोई शक है? अपना एजेंडा वो मुसलसल करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदालत के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप बराह रास्त हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती इमरान खान के खिलाफ? हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुराद ये है कि जो अदारे हैं, अब उसने तोशा खाना में चोरी की है, वो 2+2=4 है, वो उसकी जो अहलिया मोहतरमा है वो हीरे जवाहरात की अंगूठियां लेती रही हैं, वो साबित है, वो फरा गोगी जो है उसने पंजाब लूट खाया उसने और वो कोई तकरीबन 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर उसने मुंतकिल किया, वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब मामला ये है कि ये अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है और अनकरीब जो है ये बात भी जो है ये सबूत जो हैं वो सारे जो है वो अदालतों तक जाने को हैं और उसके जो खिलाफ केसेस हैं उसमें भी फैसले आने को हैं। यही वजह है कि वो कभी असम्बलियाँ तोड़ता है, कभी इस्लामाबाद पे हमले करता है और चाहता ये है कि जितनी जल्द जो है वो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए और उसे जो है वो कोई इलेक्शन हो जाए या कोई और मामला ऐसा हो जाए कि ये जो प्रोसेस उसके ख़िलाफ़ है ये किसी तरह से सबोताज हो जाए, वरना उसे मालूम है कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा और नाहल भी हो जाऊंगा। अच्छा, 90 रोज़ का तो पंजाब हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली का फैसला दिया कि उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और वफाकी हुकूमत जो है वो आज भी उन्होंने पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अदारे कुछ चाहते हैं कि वहाँ इलेक्शन ही ना हो सके, निगरान गवर्नमेंट जो है वो भी इमरान खान ने भी कहा गैरानी हो जाएगी 3 महीने के बाद, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, जो हाई कोर्ट ने कहा है 90 रोज़ का वो इलेक्शन कमीशन को कहा है, इलेक्शन जो है उसका मेरा ख़्याल है कल इजलास हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए आईन और कानून के मुताबिक जो है वो अदालत आलिया जो लाहौर की है उसमें अपना जवाब सबमिट करेगा और उसके बाद जो भी अदालत फैसला करेगी। मैंने तो पहले कहा है कि हम कोई इलेक्शन से दूर नहीं है, हमने तैयारी शुरू की हुई है और उसके लिए जो है वो मरियम नवाज़ साहबा ने बाकायदा जो है वो एक इलेक्शन मुहिम कह सकते हैं आप, उन्होंने विजिट शुरू किए हैं और हमने पंजाब में भरपूर तरीके से इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू की हुई है। इलेक्शन अभी हों या बाद में हों ये करवाने इलेक्शन कमीशन ने, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, इस हिस्से में जो है वो आज जहां हमने बाकी मौजूदात पे बात की है
तो इस पे भी जो है वो बात हुई है, और इस हिस्से में आईजी साहब ने और जो एडिशनल आईजी कराची हैं उन्होंने अपनी जो है वो मनसूबाबंदी से, अपनी प्लानिंग से, और जिस तरह से वो कराची को जो है वो ज़्यादा सेफ करने और शहरियों का तहफ़ करने का जो उन्होंने प्रोग्राम है उन्होंने उसके साथ वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला कराची के शहरियों के तहफ़ में जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है वो लाएँगे, और इस हिस्से में जो वफाकी हुकूमत से उनकी डिमांड्स हैं या जो वो मदद चाहते हैं इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के शहरियों की के तहफ़ के लिए जो है वो भरपूर तआवुन करेगी।